हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं हूँ रोशन, आप लोगों का फ्रेंड, और हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, लास्ट टाइम हमने ना कुछ फिशेस ऐड की थी अपने टैंक में। जो मेरे पास 3 फिट का टैंक है, उसमें मैंने एक ऑस्कर फिश और प्लैको फिश ऐड करके दिखाया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं आपकी कौन कौन से फिशेज मैंने ऐड की थी और कैसे ऐड की थी मैंने उस फिशेज को। सो फ्रेंड, आज का क्या प्लान है? आज का प्लान ये है कि आज कुछ और फिशेज ऐड करने वाले हैं हम उसमें। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था अभी और फिशेज ऐड करने के लिए उसमें, बट एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा था कि ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा तो थोड़ा सा बड़ा टैंक लूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा टैंक देखा हो 3 फिट वाला, तो उस पर एक फिट से ऊपर साइज के पैक हुए मेरे पास, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि एक थोड़ा सा बड़ा टैंक लेने के बाद उसको शिफ्ट करके फिर कुछ और फिशेज ऐड करूंगा उसके बाद। बट एक्चुअली मैं बहुत देर, आज मैं एक्वेरियम शॉप गया था तो मैंने काफ़ी देर डिस्कशन की शॉप में, तो मेरे को पता चला अभी 3-4 महीने तक कोई स्कोप नहीं है मतलब टैंक बनाने का नया, क्योंकि एक्चुअली उनके पास ग्लासेस की सप्लाई नहीं आ रही थी और मेरे को इंडियन टैंक चाहिए था। वैसे उनके पास अवेलेबल था एक मॉड्यूलर टैंक, जिसको एक आगे से मतलब कर्व्ड होता है, वो आगे से जो कट होता है वो नहीं होता है इंडियन टैंक की तरह, मतलब चाइनीज टैंक भी बोलते हैं उसको, वाला टैंक अवेलेबल थे। पर वाला टैंक ना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है ना, ओवर द टाइम अगर एक्वेरियस्ट हो तो आप समझ सकते हो, या फिर आपके पास फिश पहले से ही, बहुत टाइम से फिश कीपिंग कर रहे हो तो आपको पता है, आपको पता होगा शायद इस चीज़ का कि मतलब काफ़ी ना ओवर द टाइम ना आपको कभी कभी सिचुएशन अलग भी हो जाती है, कभी फिल्टर, कभी पंप, कभी सब्सट्रेट, या बहुत चीज़ों में ना आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है बीच बीच में ना, अकॉर्डिंग टू योर फिशेज, आपके फिशेज के हिसाब से आपको सब कुछ कभी कभी चेंज करना पड़ता है। तो वो चीज़ें ना मॉडिफिकेशन की ना लिमिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, मतलब ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर नहीं पाते हो। टॉप कवर पूरा कवर्ड रहता है आपका, फिल्टर विल्टर सब कुछ इंटरनल रहता ही है उसका ऑलरेडी, तो उस पर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर नहीं पाते। तो इसलिए ना मेरे को ज़्यादातर इंडियन टैंक ही पसंद है। और दूसरी चीज़ प्राइस, ठीक है, तो उसका प्राइस जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अभी एग्जांपल के लिए मान लो आप जो 4 फिट बाई 2 फिट का टैंक है, मैंने पता किया था वो 22-23,000 के आसपास था मॉड्यूलर टैंक जो है, और इतने में आपका तो मतलब 2 टैंक बन जाएंगे 4 सेम साइज़ के, अगर इंडियन टैंक की बात कर रहे हो तो ये चीज़ होता है, थोड़ा सा प्राइस का भी डिफरेंस है और प्लस मतलब मॉडिफिकेशन की लिमिटेशन है आपकी, तो इसलिए मैं इंडियन टैंक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो वही है, तो इसीलिए फिर मैंने देखा, मेरे को पता चला कि अभी 3-4 महीने तक तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ग्लासेस भी नहीं आ रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है थोड़े टाइम वेट कर लेता, थोड़ा मैं फिश एक्वेरियम शॉप में थोड़ा मतलब फिशेस वगैरह देख रहा था, तो मेरे को पसंद आ कि मतलब होता है एक्चुअली, अगर आप लोग फिश कीपर हो तो आप भी समझ सकते हैं चीज़ को, कि हम मतलब एक्वेरियम शॉप में अगर एक दो राउंड थोड़ा घूम लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी पसंद आ जाती है। कभी सामान पसंद आ जाता है कुछ, कभी फूड कुछ ट्राई करने के लिए फूड ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं, कभी फिशेज कोई अच्छी लग जाती है, अलग फिशेज दिख जाती है तो लेने का मन करता है। तो वैसे हो गया मेरे साथ भी, मेरे को भी लेने का मन करके, और 3-4 महीने तक तो टाइम था, मतलब अभी टैंक बन नहीं सकता, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐड करके देख लेते हैं। एक्चुअली मेरा टैंक अभी काफ़ी फिशेज ऐड की हुए मैंने लास्ट टाइम भी, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अभी अनस्टेबल ऐड नहीं करना चाहिए, बट वो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लिया है मैंने इस बार, देखते हैं क्या होता है। कैलकुलेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि रिस्क ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क है 10% 15% का रिस्क होगा, बट वो मैनेजेबल है क्योंकि मेरे को पता है सारा, मतलब काफ़ी टाइम से एक्वेरियम रखा हुआ मैंने, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए पहले से मैं रेडी हूँ, और मेरे को पता है कि क्या प्रॉब्लम होगी तो क्या करना है हमें, और इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी तो फिर देखेंगे क्या करना है, तो उस टाइम डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए देखते हैं कि टैंक में अभी कौन कौन से फिशेज हैं हमारे पास, जो अभी लास्ट टाइम ऐड की थी 5 डेज हो चुके हैं लगभग उनको अभी, तो उनका स्टेटस देख लेते हैं एक बार, और नई फिश कौन सी ऐड करने वाला हूँ और कितनी ऐड करने वाला हूँ ये आप लोगों को दिखाऊंगा, और कैसे ऐड करने वाला हूँ वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं टैंक की तरफ। बट फ्रेंड, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उसको, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं एक बार टैंक में, देखते हैं एक बार फिशेस। सो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा टैंक, अभी जो 3 फिट का टैंक है जो मेरा, जिसपे अभी हमने ऑस्कर ऐड की थी और प्लास कस्टमर्स फिश ऐड की थी इस पर लास्ट टाइम। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मैंने लिंक, तो कैसे ऐड की थी मैंने वो भी देख सकते हैं आप उस पर। सो फ्रेंड, वही ये देखिए, अभी मतलब मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत लग नहीं रही, क्योंकि ऑस्कर फिश जो हमारी है ये बहुत आराम से रह रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना किसी से लड़ रही है ना तो मतलब कोई इससे लड़ रहा है, तो चिल है एकदम। और प्लैको फिश भी देखिए आप राइट साइड में ग्लास में देख सकते हैं चिपकी हुई हैं वो, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिश अभी स्टेबल है काफ़ी। 5 दिन के बाद की वीडियो है ये, तो चलिए देखते हैं अभी आज कौन से फिश ऐड करने वाले हैं हम आज।
सो फ्रेंड्स, ऐड करने के लिए मेरे को अभी एक बार लिड ओपन करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं अपना टॉप फिल्टर निकाल देता हूँ, तो उसका लिड ओपन करके हम अपने फिशेस को एक्लिमेट करने के लिए डालेंगे इसके अंदर पॉलीबैग के साथ। तो एक्लिमेट कम से कम 25 to 30 minutes के आसपास करेंगे हम। लिड ओपन हो गया है, फिशेस देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये दो फिशेस हैं जो मैं लेके आया हूँ, पैरट फिश है दोनों। एक रेड पैरट फिश है, एक येलो पैरट है। साइज़ थोड़े से छोटे हैं इनके, बट मेरे को पता है चल जाएगा, तो इसलिए मैं ले आया छोटे भी। और दूसरी जो है वो अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर है, इसका साइज़ लगभग 3.5-4 inches के आसपास है। तो ये दो फिश, ये तीन फिशेस लेके आया हूँ मैं। दो पैरट फिश है, एक ऑस्कर फिश है। तो इनको एक बार एक्लिमेट करने के लिए हम डाल देते हैं टैंक में 25 minutes to 1/2 hour के लिए। तो उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा ऐड करके आफ्टर 30 minutes। तो ये मैंने अपने टैंक में डाल दिए हैं दोनों पॉली बैग्स। तो फ्रेंड, वेट करते हैं अभी 25 minutes to 1/2 hour के आसपास, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे, फिर ऐड करते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, 1/2 hour हो चुके हैं, अब निकालते हैं इनको और उसके बाद ऐड करते हैं हमारे टैंक में। एक्चुअली फ्रेंड, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, हमेशा जब आप फिश ऐड करो अपने टैंक में तो हमेशा ना नेट का यूज़ कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि फिशेज़ काफ़ी स्लिपरी होती है, तो निकल जाती है काफ़ी बार हाथ से, तो हर्ट हो जाती हैं वो। तो ये देखिए, ये दो फिशेज़ डाल दी मैंने, एक येलो पैरेट है, एक रेड पैरेट है। दोनों बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छी दिख रही हैं और काफ़ी एक्टिव फिश हैं, तो अच्छे, बहुत बढ़िया से स्विम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, डरिए मत, छोटी हैं मैं मानता हूँ, बट ये लोग बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, जल्दी से किसी के हाथ आती नहीं है। तो और मेरी, वैसे मेरे टैंक में ऐसे कोई फिशेस भी नहीं है जो बहुत पीछे पड़ के मतलब किसी को काट ले खा ले, तो इसीलिए छोटी साइज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। और दूसरी है ऑस्कर फिश, ऑस्कर फिश ऐड करता हूँ अभी। एक्चुअली ये निकल नहीं रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो ये फिश मैंने अभी डाल रहा हूँ, निकल गई है, ये आ गई हमारी अल्बाइनो ऑस्कर। तो ये थोड़ी सी बड़ी है पैरट फिश से, पैरट फिश मेरे ख्याल से 3-3.5 inches के आसपास है, ये 4 inches के आसपास है। तो ये कैटफिश ने देख लिया, बग गई उसको देख के। तो अभी इसका कलर थोड़ा सा फेड है जो हमारे पास अभी अल्बाइनो ऑस्कर है, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद जिसके पास थी तो शायद इसको मतलब ढंग से फीड वगैरह और वाटर क्वालिटी अच्छा रखा नहीं होगा उसने शायद। बट ओवर द टाइम ना ये बहुत अच्छी हो जाती है, अगर आप इसको वाटर क्वालिटी और इसका फूड का अच्छा फीड करोगे, अच्छे क्वालिटी फीड और प्रोटीन रिच फूड फीड करते हो, तो ऑटोमेटिकली ना इनका कलर बहुत अच्छा होने लग जाता है। तो वही चीज़ है, तो अभी जो भी कलर हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। तो फिर भी अच्छा है, अभी भी कलर इतना बुरा नहीं है इसका। तो बाकी पैरट फिश के ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं कलर दोनों के। तो यही है फ्रेंड्स, अभी देखिए एक्लिमेट होंगे थोड़े से, ये अभी थोड़ा इन्वायरमेंट में घुलेंगे मिलेंगे सबके साथ, तो सही हो जाएगा सारा। तो वही होप कर रहे हैं कि ये सब सही रहे, सारा स्टेबल रहे टैंक, कोई किसी को मतलब पीसफुल रहे सारा। तो अभी मैंने फ़िल्टर लगा के ऑन कर देता हूँ इसको, और कुछ टाइम के बाद देखते हैं दोबारा क्या फिर रहेगा इसका कंडीशन। वैसे जितना मैं जानता हूँ अपने फिशेस को और जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ खास दिक्कत होगी इनको। इवन ये पैरट फिश थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे अभी कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, तो बहुत कंफर्टेबली रह लेंगे ये लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि शायद कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पैरट फिश बहुत एक्टिव फिश होती है। और मतलब क्या होता है ना फिशेस में फ्रेंड्स, कि अगर कोई किसी को बाइट कर रहा है और वो रेगुलरली बाइट करने दे रहा है दूसरी फिश जो है, तो ना वो रेगुलरली बाइट करते रहते हैं दूसरे फिशेज़। अगर आप बाइट बैक करते हैं ना कोई, तो उसके बाद फिर वहाँ पे अग्रेशन ना बैलेंस हो जाता है, वो लोग फिर एक दूसरे को बाइट नहीं करते, फिर पोलाइटली रहते हैं। ये भी होता है फिशेज़ के अंदर नेचर ना एक, तो पैरट फिश ऐसी नहीं होती कि बाइट करने देगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 4 hours के बाद की वीडियो है ये, मैंने दिन में फ़िश ऐड की थी और ये इवनिंग की वीडियो अभी मैंने शूट की है, कि देखने के लिए एक बार ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या अभी देखिए कैसा है फ़िश का स्टेटस। तो फ्रेंड्स, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, कोई पैक ऑफ फिश या कैट फिश किसी ने किसी को अटैक नहीं किया, और इवन ऑस्कर फिश भी बहुत नॉर्मल है। थोड़ी देर पहले मैंने आधे एक घंटे पहले फीड भी दी थी बहुत कम, तो वो भी आराम से खाया है इन्होंने, बिल्कुल पिक करते करते एक एक चुन चुन के खाया है इन्होंने, मतलब बहुत अच्छे से। कोई मेरे को इतनी बड़ी कोई अभी तक दिक्कत लग नहीं रही है,
तो मेरे को लगता है शायद थोड़ी सी दिक्कत मेरे को ये लग रही है कि अभी नहीं है फिशेस, तो इसकी वजह से क्या है ना, वो शायद बड़ा साइज़ देख के थोड़ा बहुत डर रही हैं। वैसे डरने वाली फिशेस नहीं होती ये, पैरट फिशेस काफ़ी चैलेंजिंग होती है, चैलेंज करती है सबको। थोड़ा सा पास से देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये ऑस्कर फिश है, अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कलर है ना थोड़ा सा फेड है, ठीक है। शायद लगता है कि क्योंकि इतने साइज़ में ना इसका बहुत अच्छा कलर निकल के आता है, बट शायद फीड की दिक्कत होगी या तो पानी की दिक्कत होगी जहाँ पहले थी। बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमारे साथ रहेगी तो इसको बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना देंगे हम इसको, बहुत अच्छी फीड करके और वाटर क्वालिटी अच्छी रख के। और बाकी दोनों पैरट फिश के कलर तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, तो उन पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, उनके सिर्फ साइज़ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमें साइज़ उसका बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। तो फ्रेंड इसके अलावा एक दिक्कत मेरे को एक और लगती है कि क्योंकि मैंने फ़िशेस तो ऐड कर दी हैं काफ़ी, तो ये सारी फ़िशेस जो है ना ये बहुत हैवी डाइट लेती है, हैवी खाती है, बहुत ज़्यादा हैवी खाएंगे तो ज़्यादा पूप भी करेंगे। तो इसकी वजह से ना मेरे को फ़िल्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले टॉप फ़िल्टर नॉर्मल टॉप फ़िल्टर से नहीं होगा इनका। तो मैंने अभी कैनिस्टर फ़िल्टर के लिए एक अरेंजमेंट किया है, जो मेरे पास पैड नहीं था, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट टाइम, मेरे पास पैड नहीं है उसके, कैनिस्टर फ़िल्टर ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैंने पैड का कुछ अभी अरेंजमेंट किया है। देखो मैं नेक्स्ट टाइम एक वीडियो बनाऊंगा कैनिस्टर फ़िल्टर पे भी, कैसा मैंने सेटअप किया के कैसा लगाया उसको इस फिश टैंक में, तो क्योंकि कैनिस्टर फ़िल्टर के बिना काम नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स इस वाले एक्वेरियम का, क्योंकि फ़िशेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं इसमें अब। तो इसीलिए कैनिस्टर फ़िल्टर ऐड करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना मेरा, उस पर मैं आपको डिटेल रिव्यू, डिटेल सेटअप करके दिखाऊंगा पूरा कैनिस्टर फ़िल्टर कैसे करते हैं एक टैंक में। तो ये आपको सारा कुछ अंदर हट जाएगा अभी, उसके बाद ये जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल जो मोटर्स वगैरह हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए, अभी मतलब पैरट फिश काफ़ी सही है, मतलब इतनी ज़्यादा डर नहीं रही है, देख सकते हो आप। बस थोड़ा सा मतलब कॉन्शियस है बस, कि मतलब कोई दिक्कत ना हो इनको, कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऑस्कर से भी नहीं डर रही है, पैको से भी नहीं डर रही है इतना, तो मेरे को लगता है कि सर्वाइव कर लेगी बहुत ईजिली। इवन ये अभी एक दो महीने बाद थोड़ा सा इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उसके बाद तो ये बॉस बन जाएंगे इस टैंक के। तो काफ़ी मतलब कट वट करती रहती हैं, बाइट वाइट करती रहती हैं सबको बड़ी होने के बाद। तो देखते हैं ये कैसे करें, ये कैसा बिहेव करेगी उसके बाद। तो ये ऑस्कर फिश थोड़ा सा मेरे को ये वीक लग रही है अभी, तो इसको थोड़ा और फीड करके थोड़ा अच्छा फीड करना पड़ेगा, जो मेरी अभी अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर जो आज लेके आया हूँ मैं उसकी बात कर रहा था ये वाली। तो इसको थोड़ा सा अच्छा फीड करके थोड़ा हेल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी वीक लग रही है मेरे को ये, और इसका कलर भी काफ़ी डल है अभी। तो ये प्लैको फिश है फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट टाइम ऐड की थी, दोनों प्लैको फिश ये लगी हुई हैं अपने काम में, एल्गी खाने में बिल्कुल। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, हम फिशेस ऐड कर चुके हैं, इसके बारे में अपडेट मैं देता रहूँगा आपको वीडियो के थ्रू। और फ्रेंड्स आपको हमारी फिशेस कैसी लगी, टैंक कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। और इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइज़।